मेरा नाम ओमकार जगताप है, मैं जोगेश्वर मुंबई से बिलोंग करता हूँ। माय नेम इज़ गौरव मेहरा, आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। मेरा नाम रितेश जोशी है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। सर मेरा नाम सुनील चंद्रा, मैं बोकारो झारखंड का रहने वाला हूँ। सर मेरा नाम महेश अशोक पवार है, मैं चिपळूण महाराष्ट्र से हूँ। सर मैं विरार से हूँ और मैंने आइडल्स के बारे में इंस्टाग्राम पे देखा था, गोल कोर्स करके मैंने आज तक कभी सुना नहीं था और मुझे पढ़कर ही वो एक्साइटिंग लगा और मैंने फिर जानने की कोशिश की मतलब ये डुअल कोर्स में है क्या। पहले बहुत कई सारे क्लासेस में ट्रैवल किया था बट इतना डीप नॉलेज जैसा आइडियाज प्रोवाइड करता ना वैसा अभी तक मेरे को कहीं भी नहीं मिला अभी तक। और जब मैं स्टार्टिंग में आया था तब सच बताऊँ तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता था, पर अब मेरी बॉडी में मुझे इम्प्रूवमेंट दिख रही है। क्रम के बारे में इतना नॉलेज नहीं था कि किसको जैब बोलते, किसको स्टॉम बोलते, किसको चेस पॉप बोलते, ये सब पता नहीं। एक्चुअली क्रम करता था, अभी भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे वीडियो की क्रम करता है, ऑलमोस्ट साइफर में भी जाता था, लेकिन क्या क्रम के बारे में मतलब क्रम करता हूँ लेकिन प्रोटोकॉल ये स्टेप क्या नाम क्या वो मैं एकदम जीरो था। तो आइडल्स में आके मतलब क्या बोलूँ सर, मतलब वो चीज़ का मतलब बहुत सारा नॉलेज मिला कि ये चीज़ का नाम क्या है, ये चीज़ कहाँ से आया, वो चीज़ में पॉइंट आउट किया हो और नोट भी कर लिया कॉपी में कि आगे चलकर हमको वो चीज़ कहीं गलत ना हो और मैं वो अप्लाई करूँगा यहाँ घर से जाने के बाद। और हाउस तो सर मतलब उसका भी कुछ बोला ही नहीं सर, क्योंकि हाउस में करता नहीं था, लेकिन एक्चुअली बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिख रहा मेरे पे हाउस में। और सृजन सर बहुत अच्छे हैं और हालांकि एक एक चीज़ ब्रेक डाउन करके बताते हैं। मेरा जो लेवल था वो बहुत बेस था, लेकिन उसमें भी जो चीज़ों के बारे में नॉलेज थी वो काफ़ी गलत थी, वो यहाँ पे इम्प्रूव हुई है और हाउस के एक दो सेशंस बाकी हैं पर जो बाकी हुए हैं वो काफ़ी बेहतर हुए। और टू बी ऑनेस्ट जहाँ जहाँ गलतियाँ हो रही है वहाँ वहाँ सर एकदम ऐसे पकड़ पकड़ के बताते हैं कि यहाँ गलतियाँ हो रही है, यहाँ ऐसा नहीं कि एक बार बता दिया तो दूसरी बार नहीं देखेंगे, दूसरी तीसरी बार वापस देखेंगे। इग्नोरेंस गलतियों में सर करते ही नहीं है। आर्ट को एक ओरिजिनल वे से लेके चलना है आइडल्स की सबसे बड़ी खासियत मुझे लग रही है। मतलब जो वो लोग जो आइडल्स क्लेम करते हैं एट द वे ऑफ एंट्रेंस वही हमेशा उस चीज़ को लेके चलते हैं कि हर एक टीचर बच्चों पर ध्यान देता है, ऐसा नहीं कि दूसरे को नहीं आ रहा तो उसे छोड़ दिया, उसे नहीं आ रहा तो 10 बार 20 बार 30 बार बताएंगे पर जब तक आएगा नहीं तब तक छोड़ेंगे। सब लेजेंडरी इंस्ट्रक्टर्स है, सबका नॉलेज देने का तरीका बहुत अलग है, बट जो बेसिक नॉलेज जो चाहिए इंस्ट्रक्टर को डांसर को जो अभी जनरेशन जो चालू है उसके हिसाब से जो नॉलेज चाहिए उसको प्रॉपर फुलफिल करते हैं और हर चीज़ डीपली बताते हैं। अगर आपको कोई स्टेप्स नहीं आ रहा है तो कैसे करना है, उसका ब्रेकडाउन प्रॉपर क्या रहता है, सब कुछ डिटेल में बताते हैं। मतलब बहुत हेल्प हुआ मुझे भी। आगे खड़ा रहना प्रिफर नहीं करता था, मैं पीछे ही रहता हूँ, लेकिन फिर भी सर वहाँ पे जाके मेरे को सिखाते, मेरे को बताते, अगर मेरे को कुछ डाउट हुआ तो मैं सर को पूछता, तो सर वहाँ पे आके पीछे आते और मुझे बताते सब चीज़ें। आइडल्स की खास बात यही है, आइडल्स की खास बात उनके टीचर्स ही है अगर देखा जाए तो, क्योंकि टीचर्स बहुत ही डिटेल में सिखाते हैं, हिस्ट्री के बारे में बताते, हर एक स्टेप्स के बारे में बताते, वो स्टेप्स कहाँ से आया वो चीज़ बताते, स्टाइल का पूरा हिस्ट्री बताते। सो ये खास बात है।